सबसे बड़ा परिवर्तन है, आप लोगों समेत त्रिपुरा के सभी नागरिकों के चेहरे पर लंबे समय के बाद खुशी और हर्ष दिखा है। पहले भय दिखाई पड़ता था, भय की जगह हास्य ने ली है और एक खुला माहौल लोकतंत्र का फिर से एक बार अनुभव त्रिपुरा की जनता कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसा और डर की राजनीति का एक लंबा युग झेलने वाली त्रिपुरा की जनता आज हिंसा और डर की राजनीति से ऊपर उठकर अपने विकास के रास्ते पर अग्रसर होती दिखाई पड़ती है। त्रिपुरा सरकार ने थोड़े ही समय में ऐतिहासिक फैसले दिए। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम राजा वीर विक्रम देव के नाम से एयरपोर्ट का नामांकन करेंगे। सरकार बनने के कुछ ही समय में हमने राजा वीर विक्रम देव के नाम से एयरपोर्ट का नामांकन किया और महाराजा को ऐतिहासिक श्रद्धांजलि देने का काम किया। किसान, मजदूर, गरीब, उनकी बात और उनके आधार पर राजनीति करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जब तक सत्ता में थी, किसानों की धान की खरीदारी नहीं के बराबर होती थी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों की उपज में लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य करने के बाद यहां पर सरकार ने लगभग 50,000 मैट्रिक टन धान खरीदने का संकल्प किया है। मैं मानता हूं त्रिपुरा का शायद ही कोई किसान बच जाएगा जिसका धान अपने घर में रह जाएगा। और ये धान जो 10 से 12 रुपया प्राप्त होता था, इसकी जगह 17.5-18 रुपये तक उनको कीमत मिलेगी। तो 50% की बढ़ोतरी सीधा बैंक अकाउंट में, उसका चेक बीच में कोई बिचौलिया नहीं कमीशन एजेंट में, 3 दिन के अंदर चेक का भुगतान हो जाता है। दूसरा, अटल जलधारा मिशन करीब 125 करोड़ की लागत से त्रिपुरा के हर कोने में 3 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का हमने लक्ष्य रखा है और गैस कनेक्शन के छुपे चार्जों को भी कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 7वां वेतन आयोग यहां लागू हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले मुहिम चलाई थी और घोषणा पत्र में हमने वादा भी किया था कि हम त्रिपुरा के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देंगे। कम्युनिस्ट सरकार और उसकी साथी कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। आज मैं त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूं, हमारा ये वादा भी विप्लव देव सरकार ने पूरा किया है। 10,323 शिक्षक जो त्रिपुरा की सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर के कारण जिनको अन्याय हुआ था, उनको भी आज प्रोटेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सामाजिक पेंशन लाभार्थी की पहचान, उसमें से फर्जी लोग दूर करना, ये अभियान से जो सच्चे लाभार्थी है उस तक लाभ पहुंचना शुरू हुआ है, इसका फायदा उनको होगा। फर्जी रेशन कार्डों के जरिए त्रिपुरा की जनता का हजारों करोड़ जो बर्बाद होता था उसको बंद करने के लिए एक मुहिम चलाई गई। अपनी कैडर को फर्जी रेशन कार्ड देने वाली कम्युनिस्ट सरकार का पर्दाफाश इस दृष्टि से हुआ कि इतने अल्प समय के अंदर 62,340 फर्जी रेशन कार्ड को समाप्त करने का काम कर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। इंफ्रा परियोजनाओं में भी ढेर सारी परियोजनाओं को लागू करने का काम किया। लगभग 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का काम केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और बाकी केंद्रीय डिपार्टमेंटों के द्वारा होना है। हमने कहा था हम किसानों को उचित दाम मिले इसलिए निर्यात के द्वार खोलेंगे। अनानास की निर्यात का एक MOU किया गया, हालांकि अमाउंट अभी बहुत छोटा है मगर त्रिपुरा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक रास्ता खुला है। लगभग
5 मेट्रिक टन से ज्यादा अनानास निर्यात करने का में राज्य सरकार को सफलता मिली है। उद्यमिता विकास, टूरिज्म, ये दोनों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम त्रिपुरा सरकार ने किया है। सबसे बड़ा काम त्रिपुरा सरकार ने किया है, नशा मुक्त त्रिपुरा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। कम्युनिस्ट सरकार में ये त्रिपुरा नशे का अड्डा बना था, आज त्रिपुरा के अंदर अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के कारण नशे की कारोबार करने वाले लोगों को त्रिपुरा के बाहर जाने के लिए विप्लव देव सरकार ने मजबूर किया है। राजनीतिक हिंसा की परंपरा, हमारे 24 से ज्यादा कार्यकर्ता 2 साल में मारे गए जब से हमने त्रिपुरा में परिवर्तन का संघर्ष किया, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, अपनी पार्टी का काम बेरोक टोक कर सकता है, इसको कोई प्रताड़ना नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार ने भी त्रिपुरा के उत्कर्ष के लिए ढेर सारे काम शुरू किए हैं। 14वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग के कंपैरिजन में 7200 करोड़ के सामने 25000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा ने को दिया है। बांग्लादेश तक रेल लिंक, अगरतला से अखोड़ा तक इतनी लंबी रेल लाइन डालने के लिए भी एक प्रयास किया है, जिससे यहां पर उद्योग को भी विकास मिला, पर्यटन को भी विकास मिला गया। अगरतला में फ्लाईओवर, फायर सर्विस और दूसरा फ्लाईओवर मेलार मठ इलाके में, विद्युत परियोजनाएं, जनजातीय संपर्क को बेहतर बनाना, साइंस सिटी का निर्माण, डिग्री कॉलेजों का अपग्रेडेशन, जीबी पंत अस्पताल का अपग्रेडेशन, घन कचरे के ठोस कचरे के निकास के प्रबंधन के लिए संयंत्र, अगरतला एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन, कई प्रकार की ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में दोनों सरकारें काम कर रही हैं। यहां की सरकार विप्लव देव और जिष्णुदेव बर्मन के नेतृत्व में काम कर रही हैं। दोनों सरकार जब मिलती है तो किस तरह से विकास का गति बढ़ता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण 1 साल के अंदर ही मैं देना चाहता हूं आप लोगों को। मोदी सरकार आने के बाद तुरंत हमने उज्ज्वला योजना को चालू किया। कम्युनिस्ट सरकार की आडोडाई के कारण त्रिपुरा के गरीबों को गैस नहीं मिलता था, सिर्फ हम 34000 परिवार को गैस दे पाए थे। और आज 1 साल से भी कम अंतराल में, वहां 3 साल हो चुका था, अब 1 साल के कम अंतराल में 34000 जो गैस मिले थे उसको 2,34,000 तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे मालूम पड़ता है कि जिसके मन में विकास है वो सरकार काम करती है तो किस प्रकार से काम होता है। टूरिज्म के विकास के लिए भी प्रसाद योजना को यहां त्रिपुरा सुंदरी माई के मंदिर के लिए अप्रूव किया गया है। ढेर सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, 129 योजनाएं त्रिपुरा की प्रायोरिटी के लिस्ट पर रखकर केंद्र सरकार चला रही है। 129 योजनाओं का सूची आपको पार्टी कार्यालय द्वारा दिया जाएगा और लगभग 1300 करोड़ रुपए का और प्रोजेक्ट भी हमने देने का काम किया है। आने वाले दिनों में पूरा देश 19 में केंद्र सरकार के लिए आम चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है। मई में, अप्रैल में चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 साल के अंदर अपना विकास, अपनी पहुंच और अपनी विचारधारा का एक्सपांशन पूरे देश में करने में सफलता मिली। मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तब देश में 6 सरकारें थी, आज हमारी 16 सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 करोड़ कार्यकर्ताओं की फौज के साथ विश्वास के साथ चुनाव के मैदान में उतरने जा रही है और हम सबको भरोसा है कि आज से भी अधिक बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।